दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी ना कई रहस्यों से भरी पड़ी है। रहस्य तो बहुत हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो कि है ना, इस इंडस्ट्री के जो बहुत दिग्गज अपने आप को दिखाते हैं, उन लोगों ने ही इसको कितना खराब किया हुआ है। आज उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने ला रहा हूँ, और इतना बड़ा नाम है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप उसको जानते जरूर होंगे, और उसकी जो ये हरकतें हैं ना, आज आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लास्ट पर, जहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा अद्भुत जानकारियां मिलती आई हैं और मिलती रहेंगी और आज भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली दोस्तों एक ऐसे लीडर के ऊपर है जिसने है ना अभी 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है। मतलब उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया था अभी कुछ टाइम पहले, और आज उसने उस कंपनी को भी छोड़ दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे और आपके सबके चहेते सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर सागर सिन्हा की। सागर सिन्हा ने भी कुछ दिन पहले ओके लाइफ केयर को भी टाटा बाय बाय कर दिया है। अब रीज़न क्या आ रहा है? मतलब रीज़न तो खैर देखो, जो सागर सिन्हा बता रहा है, सागर सिन्हा ये बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं भी उन्होंने ओके लाइफ केयर का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बातों में उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी कंपनी ग्रो कर पाती है अपनी फील्ड में। तो ओके लाइफ केयर वालों से सवाल है कि मतलब यार, आप लोगों का इंफ्रा लगता है ज़्यादा है नहीं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, चलिए वो भी समझते हैं। कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको समझाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, उसके अलावा कितने ब्रांच ऑफिस हैं, है ना। जहाँ पे अगर मान लो मैं किसी दूसरे शहर में अपनी टीम को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे कंपनी का ऑफिस दिखा सकूँ। उसके अलावा दोस्तों कि मतलब अगर कहीं पे कंपनी की मीटिंग्स करनी हो, है ना, जैसे सागर सिन्हा ने वेस्टीज का एग्जांपल दिया। वेस्टीज ने नो डाउट इंफ्रा में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मोदी केयर ने नो डाउट इंफ्रा में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। कितने उनके वेयर हाउसेज हैं, कितने उनके स्टोर्स हैं जहाँ से लोग सामान ले सकते हैं, तो उसमें शायद ओके लाइफ केयर अभी तक फेल रही है। इसीलिए सागर सिन्हा को ये डिसीजन लेना पड़ा, और उस दिन बड़ी बड़ी बातें इंफ्रा के बारे में उनको बतानी पड़ी। बड़े दुखी मन से वो बता रहे थे। तो ये चीज़ जो है ओके लाइफ केयर की, इन चीज़ों की वजह से सागर सिन्हा ने दोस्तों ओके लाइफ केयर को छोड़ दिया। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। सागर सिन्हा तो ये कह रहे हैं कि यार, जितना पे आउट आता था सारा तो एक्सपेंसिस में ही निकल जाता था, क्योंकि इंफ्रा नहीं है तो बंदों से पर्सनली जाके मिलो, जाके उनको मोटिवेट करो, और भी बहुत चीज़ें। उन्होंने बोला अपने सारे पे आउट में से 90% पे आउट तो वहीं खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो अब सागर सिन्हा जी को सेविंग का ध्यान आ रहा है कि भाई बचत कुछ नहीं हो रही, क्योंकि अल्टीमेटली तो बचत ही काम आनी है। तो अब उन्होंने एक नई क्रिप्टो करेंसी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो छोड़ने का रीज़न एक और भी हो सकता है वैसे, अगर आप सोचो, मतलब ये मेरा पॉइंट है और ये हो भी सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से MG दे रही थी, तो अब हो सकता है मंथली गारंटी मिलना बंद हो गई हो, है ना। तो ये रीज़न भी हो सकता है छोड़ने का। और सिन्हा साहब ने तो इतने कोर्स बेचे हैं, कोर्स बेच के मतलब ये तो लोगों को पागल कर देते थे कि भाई साहब लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो। अब सागर सिन्हा साहब खुद और नेटवर्क मार्केटिंग से कहते थे उस टाइम जो इनके कोर्सेज हैं, और आज के टाइम में सिन्हा साहब कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के होते हुए कि दूसरा अर्निंग सोर्स भी होना चाहिए। अरे भाई साहब, मतलब इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पूरी नहीं है, आपने मतलब पूरी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए भी आपको दूसरा इनकम सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये देख लो दोस्तों, ये हैं सो कॉल्ड आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स। अब आप ये देखो, सागर सिन्हा जैसा मोटिवेशनल स्पीकर जो मतलब खुद को समझता है और है भी, मतलब कई चीज़ें उनकी अच्छी भी हैं, और उनके जैसा लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ केयर जो कर रहा है, जिसको शायद MG भी मिल रही थी, उस जैसा लीडर अगर ये बोल रहा है कि भाई आपको एक दूसरे इनकम सोर्स की भी जरूरत है, तो क्या जो बहुत डाउन लेवल के लोग हैं ओके लाइफ केयर में, या और जो उनसे नीचे के लेवल के लोग हैं, क्या उनको ये जरूरत महसूस नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। लेकिन समस्या पता है क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलने से डरते हैं कि यार जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में, हमने तो MLM के नाम पे उनका खून चूस लिया, उनको ये सुना दिया, वो सुना दिया, अब वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भाई साहब, आके बोला करो, दिक्कत अगर है ना तो दिक्कतें बताया करो, आप लोग बताते नहीं हो। सागर सिन्हा का ये स्टेप मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उसने बताया। तो आपको भी है ना, जो ये बाकी अभी भी जितने लीडर्स हैं अभी बोलेंगे नहीं, दिक्कत उनको भी हो रही होगी, तो बोलना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। तो आप समझ जाओ, जब इन बड़े बड़े स्पीकरों को ही काम करते हुए दूसरे इनकम सोर्स की जरूरत पड़ रही है और प्रॉपर पैसे नहीं आ पा रहे, तो जो डाउन लेवल के लोग हैं ना, उनको तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। वो तो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, भले ही दूसरा काम कर रहे होंगे साथ साथ में नेटवर्किंग के, क्योंकि जॉब उन्होंने छोड़ दी, जॉब अब कर नहीं पाएंगे,
जॉब से तो उनका माइंडसेट बिल्कुल हट गया है, तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बस ये है कि आपके सामने बोलेंगे नहीं। और ये देखो दोस्तों, मैंने सागर सिन्हा के जो जिस वीडियो में ये बताया गया है, उस वीडियो के नीचे से मैंने सारे कमेंट्स निकाले हैं। मतलब ये देख लो आप, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। मतलब इतने प्यारे कमेंट्स लोगों ने दिए हैं सागर सिन्हा को, मतलब इतनी चीज़ें उनके बारे में बोली हैं, तुम ये हो वो। तो ये दिक्कत यही होती है कि जब आप इतने लोगों को जोड़ के रखते हो ना, क्योंकि इनका देखो खुद ही इनका विज़न क्लियर नहीं है। ये पहले वेस्टीज में थे और वेस्टीज से पहले भी एक कंपनी में थे, तो सबसे पहले जिस कंपनी में थे उसको छोड़ के वेस्टीज में आए, फिर वेस्टीज को छोड़ के ओके में आए, अब ओके को छोड़ के क्रिप्टो में चले गए हैं, है ना। तो कल को इनका अगर मन करेगा तो क्रिप्टो को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के चक्कर में मत फंसो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन जैसे लोग हैं ना, जाल से बाहर आओ, यही बस आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। जो ये चल रही है ना, जो एक काला बाजारी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, भाई साहब मेरे रहते हुए तो चलेगी नहीं, मैं तो भांडे फोड़ूंगा सबके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। क्योंकि ये लोग है ना, आपको देखो कैसे बेवकूफ बना रहे हो, आप बन भी रहे हो। एक सागर सिन्हा ने वीडियो डाली हुई अपने कोर टीम के लीडरों के साथ कि जी रॉयल क्यू का जो क्रिप्टो करेंसी में ये लोग अब जा रहे हैं उसमें, अब मतलब फालतू में चिल्ला रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। भेड़ बकरी बन गए इनके साथ, जो हर जगह चढ़ने जा रहे हैं, भेड़ बकरी बन गए इनके साथ, इनकी गाय बन बन के पीछे चल रहे हैं बस इनके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में आप मत फंसो दोस्तों, इन लोगों से दूर रहो। इनका कोई विजन क्लियर नहीं है, अपनी जेब भरनी है बस इनको। अब हो सकता है एम जी आनी बंद हो गई हो, इसलिए ये लोग ओके लाइफ केयर को छोड़ के अब दूसरी जगह मूव हो गए हैं, बस बोल नहीं रहे हैं, है ना। कुछ टाइम बाद हो सकता है बोल भी दें, बता दें आपको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आज का मेरा आपको समझाने का उद्देश्य था कि इन जैसे लोगों के चक्कर में मत फंसो यार, अपनी आप लाइफ बर्बाद कर रहे हो। बहुत ऑप्शन है, आप मेरे से कई बार पूछते भी हो, बताऊंगा, लेकिन आप भी पहले सर्च करो, मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने भी ढूंढे हैं, मुझे मिले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स की सच्चाई हर किसी के सामने आए। थैंक यू सो मच।